हेलो जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आपका अपनी एक और वीडियो में। ये देखिए, गांठ गोभी काफ़ी बड़ी हो गई है। इसको मैं हार्वेस्ट कर रहा था तो मुझे लगा एक छोटी सी वीडियो बनाकर आप तक शेयर करनी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि छत पे गार्डनिंग करना कितना आसान है। ये आप बाल्टी देख रहे हैं, जो नॉर्मल घरों में बाल्टी होती है उसमें मिट्टी डाल के मैंने गांठ गोभी इसको लगाई है। हमारे यहाँ इसको गांठ गोभी कहते हैं। बेसिकली ये गोभी की फैमिली से बिलोंग करती है और शायद अलग अलग राज्यों में इसको और तरीक़ों से प्रोनाउंस किया जाता होगा, बोला जाता होगा। बेसिकली इसको सलाद में यूज़ करते हैं और ये बहुत ही स्वीट होती है, जैसे कि शलगम। बहुत अच्छी होती है खाने में, हेल्दी होती है। और हेल्दी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारी छत पे बने गार्डन पे तैयार हुई है। अभी आज मैं इसको सिर्फ 3 ही हार्वेस्ट करूँगा और काफ़ी मैं पहले कर चुका था। आज 3 ही करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि एक दिन के लिए 3 काफ़ी रहेंगी। और भी मैं सब्जियां हार्वेस्ट करूँगा, एक एक करके मैं आपको सबको दिखाता जाऊँगा। ये मेरी प्लेट है और अभी देखते जाइए, ये प्लेट अभी इसके अंदर 2 गांठ गोभी जो मैंने हार्वेस्ट की है। और अब चलते हैं बैंगन की तरफ। ये आ गए हमारे सारे पौधे बैंगन के हैं, छोटे से ग्रो बैग में लगे हुए हैं, 12 इंची के ग्रो बैग हैं। और बैंगन का साइज़ देखिए, गोल भी है इसमें और लंबे भी लगे हुए हैं बैंगन। साइज़ आप देख सकते हैं और यकीन मानिए आप मेरा, ये वो बैंगन नहीं है जो आपको बाज़ार में दुकानों पे मिलते हैं। इसका स्वाद बहुत ही अलग होता है, बहुत ही स्वाद होता है और बहुत जल्दी पक जाते हैं और बहुत ही क्रीमी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसकी अगर आपने सब्ज़ी खा ली अपने छत पे बने टेरेस गार्डन से, बेसिकली जो ऑर्गेनिक होती है, ऑर्गेनिक तरीके से तैयार की हुई सब्ज़ी का स्वाद बहुत ही अलग होता है। ये 3-4 मैं तोड़ चुका हूँ और तोड़ूँगा। आइए देखते जाइए आज हमें क्या क्या हार्वेस्टिंग के लिए अपने गार्डन से हमें मिलता है। ये छोटा सा गमला देखिए, महज 12 इंच का ये गमला है और इसके अंदर ये छोटा सा पौधा और इसके अंदर कितना बड़ा ये बैंगन लगा हुआ है। ये सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई केमिकल नहीं है। और ऑर्गेनिक खेती से साइज कुछ खास छोटा नहीं आता, ये लोगों की मिथ है। उनको लगता है कि घर पर गार्डनिंग करने से या ऑर्गेनिक गार्डनिंग करने से फ्रूट्स का या सब्जी का साइज़ छोटा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख पा रहे होंगे एक डिसेंट साइज़ जो हमें मार्केट में मिलता है, सेम उससे मिलता जुलता ही है। बैंगन काफ़ी हो गए, मुझे लगता है काफ़ी रहेंगे आज के लिए इतने बैंगन। अब हम चलते हैं गोभी की तरफ। ये देखिए, ये सब गोभियाँ लगी हुई हैं, ब्रोकली और फूल गोभी। पत्ता गोभी अभी तैयार नहीं हुई, मैं आज एक फूल गोभी तोड़ूँगा, 1 से 2 जो मुझे लगेगा कि ये हार्वेस्ट करने के लायक है, आज मैं उनको तोड़ूंगा और हार्वेस्ट करूंगा और नीचे अपने किचन में आज उसको बनवाऊंगा। ये देखिए, मैं इनको काटने जा रहा हूं, शायद आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। ये मैंने इसको पूरी जड़ समेत निकाल लिया है आपको दिखाने के लिए कि साइज़ देखिए आप गोभी का। और ये इतनी क्रंची है कि बस मैं क्या ही बताऊँ, पत्ते भी ऐसे आवाज़ कर रहे हैं, साउंड कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रंची और बहुत ही ज़्यादा हार्ड, एकदम टाइट गोभी का फूल बना है। ये देखिए, ये मेरी प्लेट थोड़ी देर पहले खाली थी, अभी मैं प्लेट लाऊंगा और सारी सब्जियों को एक साथ रखूंगा। ये देखिए, ये सारी सब्जियां अब इस प्लेट में हैं और ये सब ऑर्गेनिक है। इस वीडियो का अर्थ यही था कि मैं छत पे अपनी गार्डनिंग करता आ रहा हूं पिछले 1-2 सालों से, लॉकडाउन के आसपास से, और जो मैंने सीखा है वही इस वीडियो के थ्रू मैं आप तक चीज़ें शेयर करने करता हूँ। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।